नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो सारे रीजंस, वो सारे कारण जिसकी वजह से आपका पीएमएवाई फॉर्म या एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है। तो इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि जब आपका एप्लीकेशन आईडी जनरेट हो जाता है, पीएमएवाई आईडी जनरेट हो जाता है, तो उसके बाद भी रिजेक्शन के बहुत सारे रीजंस या बहुत सारे चांसेस रहते हैं, तो उसके रीजंस क्या क्या है वो बताना चाहती हूँ। मैंने कुछ वीडियोज़ में, अपने पिछले वीडियोज़ में, तो पीएमएवाई जनरेट होने से पहले कुछ रीजंस रहते हैं जिसकी वजह से रिजेक्ट हो सकता है, वो सारे रीजंस मैंने बताए हैं, वो आप चेकआउट कर सकते हो। तो आज डिस्कस करने वाली हूँ कि पीएमएवाई आईडी जनरेट होने के बाद कौन कौन से रीजन है जिसकी वजह से आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है, चांसेस हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसके पास होगा एक बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, सो दैट आगे के सारे अपडेट्स आपको मिलते जाएंगे। तो पहला कारण है ड्यूप्लीकेसी। तो ड्यूप्लीकेसी के बारे में अगर बात करूं, तो अगर फॉर एग्जांपल अगर आप अपने पिता या अपनी पत्नी के साथ अप्लाई कर रहे हो सब्सिडी के लिए, एंड आपके पिता के नाम पे या पत्नी के नाम पे या आपके नाम पे कोई भी फॉर्म ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है या सब्सिडी ऑलरेडी रिलीज हो गई है सिस्टम में, तो तब उस सिचुएशन में आपको सेकेंड सब्सिडी नहीं मिल सकती है। आपको अप्लाई किया है या नहीं किया है बट आपके को बोरोअर ने किया है, उस सिचुएशन भी आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी। तो ये वाला था फर्स्ट रीजन। ये दोस्तों सेकेंड रीजन के बारे में बात करते हैं। अगर इन केस आपका फॉर्म एंड आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट किया है उसमें कुछ मिसमैच है, या नोडल एजेंसी को लगता है कि कुछ गड़बड़ है आपके फॉर्म में या आपके डॉक्यूमेंट्स में, तो उस सिचुएशन में आपका प्रोसेस वहीं रुक जाता है एंड आपका फॉर्म रिजेक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। तो जब भी आप फॉर्म भर रहे हो, जब भी आप डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हो, तो मेक श्योर कि जो भी आपने फॉर्म में नाम भरा है या एड्रेस कुछ भी हो, कुछ भी डिटेल्स हो, तो आपके जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हो तो उससे मैच होना चाहिए। कुछ भी एक भी गलती आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर सकता है, तो वो आप बहुत ही केयरफुल रहिए। इनफैक्ट जब भी हम जब फॉर्म सबमिट करते हैं तो तब भी फिल्टर आउट, बैंक वाले ही फिल्टर आउट कर लेते हैं। समटाइम्स क्या होता है कि सही फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं, गलत फॉर्म आगे बढ़ जाते हैं, बट नोडल एजेंसी एक और बार जब चेक कर लेती है तब कुछ भी गलती मिलती है तो वहाँ रिजेक्ट होने के चांसेस बहुत सारे रहते हैं। तो जब भी आप फॉर्म भर रहे हो या जब भी आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हो, तो मेक श्योर कि सब कुछ ठीक हो। एक भी गलती आपके एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर सकता है, तो बहुत ही केयरफुली आपको भरना पड़ेगा। तो डबल चेक कीजिए, उसका प्रिंट आउट लीजिए, घर में एक बार बैठ के अच्छे से देख लीजिए, देन सबमिट कीजिए, सो दैट आपको भी सब्सिडी मिल जाए। तो दैट्स इट गाइस। अगर दूसरे वीडियोज आप देखना चाहते हैं तो देख लीजिएगा, सारा प्रोसेस एक्सप्लेन किया है। अगर कोई और क्वेश्चन है तो आप बता दीजिएगा। मैं बहुत दिनों से मेरी तबीयत नहीं चल रही थी, तो इसीलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। अब सबके क्वेश्चंस मैं आंसर करूंगी। बहुत सारे लोगों ने मेल्स भेजा है, बहुत सारे कमेंट्स किया है, तो उन कमेंट्स का भी मैं रिप्लाई करूंगी एंड जो भी क्वेश्चंस है उसे भी सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर से मिलती हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू।